हेलो फ्रेंड्स, पैसा फंडा के चैनल में आपका स्वागत है। तो आज मैंने ये मंगाया है कैरियर साइकिल के लिए। तो जो पिछली बार साइकिल मैंने मंगाया था, अगर आपने उसका वीडियो नहीं देखा है तो वो देख लीजिए। क्रेडियक की साइकिल थी, दो साइकिल मैंने मंगाया था। तो अभी कैरियर भी मैंने दो मंगाया है, दोनों साइकिल लगाने के लिए। कभी कभी क्या होता है, इसकी ज़रूरत पड़ जाती है और ये फिटिंग करने में आसानी से फिट हो जाता है, घर पे ही फिट कर सकते हैं। तो इसको दुकान वगैरह में ले जा कर फिट कराने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, इसलिए मैंने इसको मंगाया है। एल्युमिनियम का ये बना हुआ है, हल्का भी है, क्वालिटी भी अच्छी है इसकी, मजबूत भी है काफ़ी। और इसके साथ में ये कुछ सामान अपने को मिल जाता है। इसमें एक रबर दिया हुआ है लगाने के लिए, और ये पकड़ने के लिए, होल्ड करने के लिए स्टैंड में, और ये पीछे का रिफ्लेक्शन लाइट, और कुछ इसमें पाना पिंचिस है, लैंकी है, कुछ रबर वगैरह दिया हुआ है। और इसका साइड में लगाने के लिए है, सपोर्ट के लिए। इसमें भी बाकी और कुछ नहीं मिला है, सिर्फ इतना ही है पॉलीथीन में, बाकी इसका और कोई डिटेल नहीं है। इसमें कैसे क्या लगाना है ऐसा कुछ नहीं है। तो इसको ये फिट करने के लिए हमें इसको ओपन करना होगा। इस तरीके से इसको घुमा के ओपन कर सकते हैं और ये इस तरीके से खुल जाता है। और जो सीट के नीचे जो पाइप लगी रहती है उसमें हम लोग फिट कर सकते हैं। इसके लिए आपको सीट की हाइट भी बढ़ानी पड़ सकती है थोड़ा सा, तकरीबन 2 इंच के आसपास। और ये साइड में ग्रिप के लिए या पकड़ने के लिए समझ लीजिए। इस तरीके से कुछ फिट होगा इसमें दोस्तों, और फिर इसको टाइट कर देंगे। ये साइड में अपना ये सपोर्टिंग के लिए रहता है कि आपका कैरियर जो डाउन ना हो जाए, सपोर्ट रहे उसका। तो इसको हम लोग पहले ही इधर फिट कर देते हैं इस तरीके से। अभी ढीला ही छोड़ देंगे, बाद में इसको लगाने के बाद में, पूरा सेटअप कर लेने के बाद में फिर इसको टाइट कर देंगे। और कैरियर में भी ये साइड में जो भी, इसको पता नहीं क्या है ये, जो भी बोलते हैं प्रोटेक्शन के लिए है, कुछ हाथ वगैरह साइकिल में ना फंस जाए, तो इसको भी साइड में हमें लगा लेना है। तो अब इसमें कैरियर में जो चीज़ें यहाँ पे लगाने के बाद में, सिर्फ यही चीज़ें हैं हमें लगा लेना है इसमें। और साइड में जैसे इसमें आपको जो सीट है थोड़ा सा ऊपर उठाना पड़ेगा, 1.5 से 2 इंच आपको ऊपर उठा देना है। इससे हो सकता है अगर आपका हाइट कम है तो ये फिर आपको बाद में प्रॉब्लम करे, क्योंकि सीट ऊंची हो जाएगी। तो सीट ऊंची होने के बाद में आपका पैर अगर नीचे नहीं पहुंचा तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये मान के चलिए कि आपको 1.5 से 2 इंच सीट को ऊपर उठाना ही पड़ेगा, तभी ये आपका उसमें जगह बन पाएगी और ये फिट हो जाएगा। अगर आपकी सीट पहले से ही बहुत ज़्यादा नीचे लगी हुई है तो आपको उस चीज़ को देख के ही मंगाना पड़ेगा कि आपकी हाइट के हिसाब से अगर 1.5 से 2 इंच अगर सीट को ऊपर कर देंगे तो सही रहेगा कि नहीं। अब ये साइड वाला भी फिट कर लेते हैं।
तो इसको फिट करने से एक सपोर्ट जैसा रहता है कि अचानक से कोई ज़्यादा लोड पड़ा तो एकदम टेढ़ा ना हो जाए, तो ये भी लगाना ज़रूरी है। तो इसमें दोस्तों वॉशर वगैरह भी आता है साथ में, तो आप वॉशर भी साथ में, जिस भी नट को आप टाइट करेंगे उसमें साथ ही साथ आप वॉशर भी लगाते जाएंगे तो ज़्यादा अच्छे से टाइट हो जाएगा। तो ये दोनों साइड अपने को इसी तरीके से इसको लगा देना है। इसमें आपका एक रिंच है, एक एलेंकी पाना है, आप दूसरे साइड रिंच से उसको पकड़ सकते हैं और एलेंकी से फिर उसको घुमा के आप टाइट कर सकते हैं। और इसको आप अपने दोनों साइड में सेम पोजीशन पे रखिए ताकि आपका स्टैंड ये जो भी है टेढ़ा ना हो। तो दोस्तों मैं इसको वापस से ओपन कर रहा हूँ क्योंकि इसके अंदर मैं ये रबर लगाना भूल गया था। तो ये रबर लगाने से क्या होगा कि पकड़ जो है इसकी वो मजबूत रहेगी और आपके जो साइकिल को भी जो पेंट वगैरह है उसको भी नुकसान नहीं होगा। तो सबसे बड़ा फ़ायदा यही है कि ये रबर लग जाने से ये मजबूत रहता है। रबर भी इसी के साथ में ही आता है, तो आपको दो रबर यहाँ पे लगाने के लिए मिल जाते हैं और दो रबर जो साइड में स्टैंड के लिए है, उसको जो सपोर्ट के लिए है उसमें भी पतले वाले रबर मिलते हैं। तो दोनों रबर इसमें लगा के इसको वापस से टाइट कर देंगे। इसमें जो ये छोटा वाला पिन टाइप का है इसको ऊपर करके इस तरीके से टाइट करना है। और ये हो जाने के बाद में ये यहाँ भी मैं इसको भी लगा देता हूँ, ये भी छूट गया था रबर। इससे क्या है साइकिल का पेंट वगैरह भी नहीं ख़राब होगा और मजबूती भी अच्छी रहेगी। तो दोनों साइड के लिए इसमें चार रबर मिलते हैं, तो दोनों साइड लगा देंगे दो दो, और सीट के पास में दो रबर चौड़े वाले वहाँ पे यूज़ कर लेंगे। और इसको आप जब भी टाइट करिए तो बारी बारी से ऊपर नीचे दोनों साइड टाइट करिए तो अच्छे से टाइट भी हो जाएगा। और दोस्तों ये जो साथ में इसके रबर दिया है होल्ड करने के लिए, इसको हमने बहुत ट्राई किया, ये जल्दी लग ही नहीं पा रहा था, समझ में नहीं आ रहा था। YouTube पे वीडियो वगैरह भी देखे लेकिन कहीं कुछ इसको रबर ये वाला लगाने के लिए दिया ही नहीं था। फिर बाद में कुछ थोड़ी देर बाद में कैसे भी करके लगाए इसको, तो अभी आप देखिए किस तरीके से लगता है। इस तरीके से ऐसा फंसा के फिर यहाँ से हमें अंदर से इसको डालना है और फिर निकाल लेना है दूसरी तरफ से। ये इतना ज़्यादा मजबूत नहीं है फिर भी आपका छोटे मोटे 30-40 किलो तक का होल्ड करने के लिए काफ़ी बढ़िया है। और इसमें स्टैंड में भी लिखा हुआ है कि आप 50 kg तक इसमें वज़न उठा सकते हैं। तो कैसी लगी दोस्तों ये वीडियो, ज़रूर कमेंट करके बताइए। अच्छी लगी हो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके रखिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।